हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। रेडी क्लब आपके लिए लाया है कुछ ट्रिक्स जो कि आपको फिजिक्स में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। जैसे कि लॉग, वो काफ़ी स्टूडेंट्स, काफ़ी फ्रेंड्स जो होते हैं, लॉग निकालने में उनको टेंशन होती है, ठीक है। और कोस थीटा, साइन थीटा की वैल्यूज़, और सबसे अहम जो कि आपको फिजिक्स के न्यूमरिकल्स उनकी सॉल्यूशन करने में आपको मुश्किल देते हैं, वो होती है स्क्वायर रूट और अंडर रूट निकालना, ठीक है। तो आज हम आपके लिए लाए हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकालें और नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकालें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक देखना वीडियो। लास्ट में एमसीक्यूज भी होंगे और होमवर्क्स को भी आपको देंगे, जिससे आपको रैपिड फायर आपको सेकंड्स में आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो लेट्स वीडियो स्टार्ट करते हैं और आखिर तक देखना, ठीक है। सबसे पहले आपको तो ये सम स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर रूट्स की वैल्यू याद करनी पड़ेंगी, जो कि काफ़ी फ्रेंड्स को याद भी होंगी, इजी है सिर्फ, क्योंकि ये परफेक्ट है, ठीक है। हम आज जो हमारा मेन पर्पस है वीडियो का, वो है नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, ठीक है। तो जो परफेक्ट में हम देखो दो का स्क्वायर निकालते हैं तो वो निकलता है कितना, फोर, और फोर का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना निकलेगा, टू निकलेगा, ठीक है। ऐसे हम ये वैल्यू सारी याद करेंगे, तकरीबन आपको 20 तक ये वैल्यू याद होनी चाहिए, क्योंकि हम आप अगर एनटीएस दे रहे हो, आप कोई भी टेस्ट देना चाहते हो, आपकी ये मेन है, 20 तक वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो अंडर रूट 16 का 4, अंडर रूट 64 का 8 और अंडर रूट 100 का 10 सबको पता है, और अंडर रूट 361 का 19 निकलता है, और सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है, जो भी है। अब हम इसकी मदद लेकर आज नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है। तो आइए सिंपल से कॉम्प्लिकेटेड जाते हैं और आपको समझाते हैं कि कैसे निकाल। रैपिड फायर में आप अच्छे से समझ जाएंगे, और अगर आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक करना, कमेंट में ज़रूर बताना आपके क्वेश्चंस हो, आपका जो होमवर्क मैं दूंगा वो आप करके दिखाना हमें, और नेक्स्ट जो हमारी वीडियोस होंगी वो आपके टॉपिक्स पे होंगी, जो आपके मतलब के जो आप स्टडी करना चाह रहे हैं, जो आप स्टडी कर रही हो वहाँ पर होंगी, हम आपको नोटिफाई कर देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, हम क्वेश्चन लेते हैं अंडर रूट 17। देखो अंडर रूट 17 जो है वो परफेक्ट नहीं है, ठीक है। 4 का अगर स्क्वायर लेते हैं तो कितना निकलता है, 4 × 4 = 16, मतलब कि 17 नहीं आ रहा। 17 अगर कोई आपके क्वेश्चन आते हैं ऐसे न्यूमेरिकल में और आपको कैलकुलेटर इस्तेमाल करने पर मजबूर करते हैं, तो ऐसे नहीं है, ठीक है। आप अब 17 का भी अंडर रूट स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब इसके लिए आपको एक मेन फार्मूला याद करना पड़ेगा, जो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फार्मूला, ठीक है। फार्मूला कुछ ऐसे है कि x प्लस माइनस y इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस माइनस y डिवाइड बाय 2 अंडर रूट x, ये फार्मूला जो कि x और y टर्म में। अब आप ये सोचेंगे कि ये x क्या है और ये y क्या है, ठीक है। चलो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये x क्या है। x वो वैल्यू होगी जो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर पता हो, मतलब कि जो भी आपका क्वेश्चन हो उसका अगर परफेक्ट स्क्वायर, नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर आपको पता है, तो वो हमारी x वैल्यू होगी। मतलब हम यहाँ पर थोड़ा सा लिख लें, आपको समझ आ जाएगी, टेंशन पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा है परफेक्ट स्क्वायर रूट, ठीक है। और y क्या होगा, y कोई भी वैल्यू होगी जो कि ये पूरी वैल्यू हमारी पूरी वैल्यू करे, तो y कोई भी वैल्यू होगी। चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं, यहाँ से आपको समझ आएगी, ठीक है। तो x, फर्स्ट ऑफ ऑल x देखो 17, और इससे पीछे अगर एक वैल्यू जाए, इसे पीछे या थोड़ा आगे जाए कोई भी, क्योंकि प्लस माइनस हमारे पास है, तो अगर 16 लेते हैं हम, तो 16 का रूट क्या निकलता है, 4 निकलता है, परफेक्ट निकलता है, ठीक है, परफेक्ट निकल रहा है इसका। अब 16 और ये 17, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जाहिर है प्लस करेंगे, ये पूरे कितने हो गए, 17 हो गए, 16 प्लस 1 17 हो गया हमारे, ठीक है। चलो x, x क्या लिया हमने, 16 लिया, प्लस यहाँ पर देखो हमने प्लस लिए, तो यहाँ पर भी हम प्लस ही लेंगे, माइनस नहीं लेंगे, प्लस ही लेंगे। यहाँ पर अगर माइनस ले रहे हैं तो माइनस लेंगे, प्लस ले रहे हैं तो प्लस लेंगे। हमने यहाँ पर प्लस लिए तो हम यहाँ पर भी प्लस लेंगे, ठीक है। वाई की वैल्यू हमने 1, और उसके बाद 2 अंडर रूट, एक्स की वैल्यू कितनी ली हमने, 16। चलो ये हमने सोल्व करते हैं, ये हो गए 4 प्लस 1 अपान 2 इंटू 4, इसको सोल्व करें आप, 4 प्लस 1 अपान 8 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम निकलेगा 8, और उसके बाद 32 प्लस 1
इज इक्वल टू 33 अपॉन 8। चलो इसको देखो, आप अगर कैलकुलेटर में करेंगे, कैलकुलेटर आप यूज नहीं करना ठीक है, आप ऐसे ही बेस को डिवाइड कर लेंगे तो आपका अप्रोक्सीमेटली जो कुछ जवाब आएगा वो कितना आएगा, 4.1 समथिंग आ जाएगा। तो आप अगर अभी कैलकुलेटर इसको निकालें और इसको 17 को अगर आप लेंगे तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा ठीक है। तो चलो ये आपको समझ आएगा ठीक है, ये फार्मूला आपको याद करना है, यानी अगर आपको ये फार्मूला रिपीट याद हो गया आप किसी भी वैल्यू को किसी भी तरीके से कर सकते हैं। मैंने थोड़ा थोड़ा डीप करके आपको बताया है क्योंकि आपको समझ आ जाए, मतलब कि आप अगर इसको भले कुछ स्टेप छोड़ देंगे, इतने आपको अगर मैथमेटिक्स आती है तो आप कुछ स्टेप छोड़ कर भी करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको लिंक देंगे 32। अगर 32 अंडर रूट 32 को कैसे निकाले, सेम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पर ठीक है। तो एक्स की वैल्यू पहली, x की वैल्यू इतनी, x वो वैल्यू ले जो आपको परफेक्ट स्क्वायर पता हो जिसका 32, मतलब कि नियरेस्ट वैल्यू इसके पास क्या होगी हमारी 36। 36 का हमारे पास पता है कितना होता है, 36 अंडर रूट निकल सकता है ठीक है। और उसके बाद 36 32 कितना डिफरेंस है, माइनस कितने का, माइनस 4 का डिफरेंस आएगा ठीक है। तो ये हमारे हो गए 36 माइनस 4 हो गए 32। अब सेम फार्मूला है, x की वैल्यू कितनी 36, प्लस नहीं लिया हमने यहाँ पर, माइनस लिए तो हम यहाँ पर माइनस ही लेंगे ठीक है। वाई की वैल्यू 4 अपन 2 और एक्स की वैल्यू हमारी कितनी होती, कितनी थी 36। इसको सॉल्व करो, 36 का क्या निकलता है, 6 माइनस 4 अपन 2 इंटू 6, ये हो गए, ये हो गए। अगर इसको आप सॉल्व करें ठीक है तो ये हमारा अप्रोक्सीमेटली जो जवाब आएगा वो आएगा 5.6 एंड समथिंग। आप अभी कैलकुलेटर निकालें और अभी देखें ये आपका जवाब आएगा ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं 44 ठीक है। 44 को कैसे हम करें, 44 हमारे पास फार्मूला आपको पता है ठीक है, जो फार्मूला हमें मैंने बताया था आपको वो आपको याद रखना है ठीक है। फार्मूला क्या था हमारा, x प्लस माइनस y, x प्लस माइनस y अपान 2 अंडर x ठीक है। चलो इस फार्मूले के हिसाब से हम x को पता था हमारे पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो 44 है ठीक है। 44 है, आपको परफेक्ट स्क्वायर कब याद है ठीक है, 44 के करीब वाला परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 44 के करीब वाला है 49, जिसका हमारे पास स्क्वायर रूट जो निकलता है वो 7 निकलता है। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू जो लेंगे कितनी लेंगे, 49 ठीक है। 49 होगी हमारी एक्स की वैल्यू। अब देखो डिफरेंस कितना करें कि ये हमारी वैल्यू आ जाए, मतलब कि माइनस इसमें कितनी करनी पड़ेगी, 5 माइनस करेंगे तभी जाके 44 आएगा हमारा ठीक है। चलो यहाँ पर सेम टू सेम हमारी एक्स की वैल्यू क्या थी, अभी क्या लिया हमने 49, प्लस यहाँ पर माइनस ले रहे हैं, यहाँ पर भी माइनस लेंगे, प्लस नहीं लेंगे, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ ये आपको याद रखना है। यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस तो यहाँ पर भी प्लस, माइनस लिया वाई की वैल्यू ठीक है। तो y की वैल्यू हमने 5 ली और 2 और सेम टू सेम 49, सिंपली आप इसको कर सकते हो 7 ठीक है, 7 आएगा और माइनस 5.2 इंटू 7। इसको आप अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो नियरेस्ट को आंसर आएगा वो आएगा 6.6 समथिंग ठीक है। अभी देख लें आप, ये हो जाएगा आपसे, सिंपली हो जाएगा क्योंकि आपको सिर्फ ये फार्मूला नोट करना है। ये नोट अगर फार्मूला आपने कर लिया तो आप सब कुछ देखो। अब हम सिंपल से कॉम्प्लिकेटेड की तरफ जा रहे हैं। चलो ये हमारा हो गया यूनिट और टेन में, अब आते हैं हम 100 के अंदर आते हैं ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है अंडर रूट 102 निकालना ठीक है। ये मैं अपने हिसाब से आपको दे रहा हूँ, नो प्रॉब्लम, नो पैनिक, नहीं होने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी वैल्यू लेंगे आपको आंसर आएगा, अगर नहीं आ रहा आंसर आप कमेंट में बताना, मैं आपको जरूर बताऊंगा कि क्यों नहीं आ रहा, क्या मसला है या आपको क्या जो भी है मैं आपको समझा दूंगा ठीक है, कमेंट जरूर कर देना। चलो इसको ले रहे हैं, सेम फार्मूला हमारा, आपको मैं बार बार नहीं लिखना चाहता, आपको फार्मूला याद हो गया है तो आप हम सीधा आएंगे ठीक है। तो पहले x की वैल्यू प्लस माइनस y, यही फार्मूला ठीक है। इस टर्म में हम आपको लिख रहे हैं तो x नियरेस्ट क्या होगा 100, क्योंकि 100 का परफेक्ट निकल सा है 10। अब देखो प्लस करेंगे तो 2 करेंगे तो कितने बनेंगे, सेम बनेंगे ठीक है। अब आएंगे x, ये हमारा फार्मूले वाला x, तो यहाँ पर भी x, यहाँ पर हमने प्लस ली ये फार्मूला हमारा, तो यहाँ पर भी हमने हम प्लस ही लेंगे। y की वैल्यू 2, ये y और उसके बाद 2 अंडर रूट x, और ये हो गया हमारा 2 अंडर रूट x। सिंपली 10 निकलेगा ठीक है, प्लस 2 डिवाइड इंटू 10, इसको आप सिंपल कर दें,
A1 हो गया ऊपर। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका भी आंसर जो नियरेस्ट आएगा वो आएगा 10.096 ETC आएगा जो भी, ठीक है। आप अगर करेंगे कंप्यूटर पे या इतना, अगर पॉइंट के बाद एक या दो वर्ड्स आपके अगर सही आ रहे हैं तो इनफ है, ठीक है, वो सही है हमारा जवाब। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लास्ट करेंगे, उसके बाद आपको होमवर्क्स देंगे, आपको MCQs होंगे जो आपको करने होंगे, और वो आपको लाजमी कमेंट में मुझे बताना होगा कि हमारा ये आंसर निकला है। मैं आपका वेट करूंगा कमेंट में। तो चलो ये लास्ट वाला करते हैं, उसके बाद देखेंगे होमवर्क की तरफ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट है जो हमारा कॉम्प्लिकेटेड की तरफ जा रहा है, 91291 √291, ठीक है। सेम फार्मूले के हिसाब से एक्स की वैल्यू नियरेस्ट आपको स्क्वायर रूट 20 तक याद करने में, या फिर भी बता रहा हूँ 20 तक आपको याद करने इजी है, कोई मसला नहीं है। तो आपको देखना है 291 के करीब वाली वैल्यू कौन सी है जिसका परफेक्ट निकल सकता है। तो करीब वाली वैल्यू है 289, जिसका निकलता है 17। 17 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, और इसका रूट निकालेंगे तो 17 आएगा, ठीक है। अब हमें इसमें प्लस करें या माइनस करें, हम यहाँ पर करेंगे प्लस 2 करेंगे तो जाके हमारा ये सेम वैल्यू आएगी, ठीक है। उसके बाद फार्मूले का एक्स, और एक्स की वैल्यू ये क्या है, ये तो हम डायरेक्ट उसको रूट के हिसाब से नहीं लिख रहे, थोड़ा सिंपल करें, आपको रैपिड कर रहे हैं। तो ये हमारा कितना निकलेगा इसका 17, अंडर रूट एक्स का, एक्स जो हमने ये लिया उसका 17 निकला, प्लस लिया तो प्लस यहाँ पर लेंगे, वाई की वैल्यू 2 ली, ये नीचे वाला 2 फार्मूले वाला, और अंडर रूट एक्स की वैल्यू कितनी है 17 है, ये हो गया। ये आपको इसको उड़ा दें, ये हमारा हो गया 17 प्लस 1/17। इसका जो जवाब आएगा वो भी अगर आप करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आएगा 17.04 ETC, ठीक है। ये हो गए हमारे आज का, आपको समझा दिया, ठीक है। देखो अब अगर इसको भी और कॉम्प्लिकेटेड लेना चाहते हैं तो आपको 20 से ज़्यादा स्क्वायर रूट याद करने होंगे, तो इजीली याद हो सकते हैं 20 इज इनफ। आप अगर कोई भी टेस्ट देना चाह रहे हो, सिंपली NTS दो, या कोई भी अगर टेस्ट देने जाते हो नम्स वगैरह की कुछ भी, तो आपको ये जो क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन में आते हैं, न्यूमेरिकल्स में आते हैं, आप पैनिक हो जाते हो हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है हम कैसे करें वगैरह वगैरह, तो आप सिंपली इसको अगर याद करेंगे, अगर नीड होगी आपको आप इजीली कर लेंगे, परफेक्ट आपको आता है, ये नॉन परफेक्ट है, ठीक है, याद रखना नॉन परफेक्ट है। मैंने मुश्किल से आपको ये बनाया है आपके लिए मेहनत करके, तो आप जरूर लाइक करना वीडियो को और लास्ट तक देखना, और आगे हम अब ये होमवर्क भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलते हैं होमवर्क की तरफ। चलो गाइस आपका होमवर्क रेडी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस कुछ हैं, ठीक है, जो आपको विदाउट कैलकुलेटर निकालने हैं सिंसियरली, ठीक है, और मुझे कॉमेंट में जरूर बताना है, ठीक है। देखिए ये कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हमने ये सारे प्रैक्टिस की है, सिंपल टू कॉम्प्लिकेटेड की तरफ आए हैं, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, स्क्वायर रूट याद करने पड़ेंगे 20 तक, और ये सॉल्व करके मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। और ये ट्रिक याद भी करना आपको काम आएगी, बहुत सारे ज़्यादा एग्जाम्स में ये काम आती है, तो आपको भी ये याद करनी पड़ेगी, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी करना चैनल को, और ये आगे वाले लेक्चर्स जो भी हैं, जो भी आपके टॉपिक्स के हिसाब के होंगे, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, और वो सारे देखना आपको हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। तो चलो ये देखो, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, सिंपल है, जो हमने मैंने फार्मूला बताया उसी हिसाब से होगा, ठीक है। तो फार्मूला में यहाँ पर आपको फिर से अगर अगेन फार्मूला में बताना जा रहा हूँ, तो आप वही फार्मूला यूज़ करना, एक्स और वाई टर्म का फार्मूला है, ठीक है। हम इस फार्मूले को करेंगे, कहेंगे एक्स और वाई टर्म फार्मूला, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अंडर रूट एक्स प्लस माइनस वाई टू अंडर रूट एक्स, सिंपल फार्मूला, एक्स हमारा परफेक्ट, y परफेक्ट भी हो सकता है, नॉन परफेक्ट भी हो सकता है, सिंपली यहाँ पर प्लस ले रहे हैं, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस, ठीक है। तो आप इसी फार्मूले के हिसाब से ये सब करना, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस लाजमी होती है, ठीक है। तो आपका कोई भी दुश्वारी नहीं होगी, आपका पैनिक नहीं होंगे, आप डिप्रेस नहीं होंगे, टेंशन में नहीं आएंगे जब आप कोई भी एग्जाम देना चाह रहे हैं। तो ये अगर याद रहेगी, अगर आप ही सकते हैं तो आप इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लॉग की वैल्यू, कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यूज, और बहुत सारी ट्रिक्स फिजिक्स के हिसाब से, केमिस्ट्री की लेक्चर्स और बायोलॉजी के लेक्चर्स देता रहूँगा। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।